उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों तक पहुंचने वाली जो टीम है उनके घर पर मैं आया हूं। मुन्ना कुरैशी जो सबसे पहले मजदूरों को बचाने वाली टीम में थे और जो सबसे पहले मजदूरों से मिले, ये मुन्ना कुरैशी के घर पे मैं इस वक्त आया हूं। ये आप देख सकते हैं खजूरी खास के श्री राम कॉलोनी की पतली गलियों में किराए का ये एक 10x8 का एक कमरा है और यहाँ पर आप देखिए कि ये मुन्ना कुरैशी का कमरा, कुछ ज़रूरी सामान, संपत्ति के नाम पर टीन के ये तीन छोटे डिब्बे, एक संदूक और खाना बनाने के लिए इसी कमरे में रखा एक ही गैस चूल्हा और सोने के लिए ये बेड जहाँ पर मुन्ना और उनके तीन बच्चे यहाँ पर सोते हैं। कोरोना के वक्त अच्छा इलाज न मिल पाने के वजह से मुन्ना कुरैशी की जो पत्नी हैं उनकी मौत हो गई और मुन्ना कुरैशी के काम को दुनिया भर के लोगों ने टीवी पर देखा, लेकिन मुन्ना कुरैशी का जो परिवार है उसके पास टीवी नहीं था तो वो टीवी पर नहीं देख सका। लोगों के मुंह से जबानी उन्होंने इनका कारनामा सुना कि किस तरीके का इन्होंने शानदार काम किया है। मुन्ना, आप आसपास के लोग बताते हैं कि बहुत ही बचपन से आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत जो है यहाँ तक आप पहुँचने के लिए तमाम सारे संघर्षों से आपको गुजरना पड़ा। आपकी पत्नी की भी मौत हो गई, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको छोड़कर मजदूरी पर जाना भी एक तरीके का आप समझिए कि एक बहुत बड़ी बात है कि बच्चे किसके भरोसे होंगे। तो ये जो आपका सफ़र है ये तो बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। मेरा सफ़र बचपन से मुश्किल से है। मैं कुछ पे कह नहीं पा रहा सर, क्योंकि मुझे अफसोस महसूस होता है कभी। आज मुझे इतनी खुशी महसूस है, पुराना टाइम इतना अफसोस का, आज मुझे इतनी खुशी है जो मैं उसे भी भूल गया हूँ। मुझे ये खुशी के आंसू है जो मुझे इतना प्यार मिल रहा पूरे भारत से, और हमारे जो 41 मजदूर भाई थे वो बच गए, मुझे उनकी और ज़्यादा खुशी है। आज मैं इस चीज अपनी परेशानियों को सब चीज़ को भूल चुका हूँ। मैं मुझे नहीं पता थी वो परेशानी क्या थी क्या नहीं थी, मगर इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया तो सब भूल चुका हूँ। वापिस चाहता हूँ सर, बोल नहीं पाऊँ। आप जब मिले तो गले से लगाया लोगों ने आपको, पुष्कर सिंह धामी ने भी आपको हौसला अफजाई आपकी की। सब उन्होंने हमारे कंधे पे हाथ रखा है, उन्होंने जो उत्तराखंड के हमारे मुख्यमंत्री साहब थे उन्होंने भी हमें शाबाशी दी, वहाँ के विधायक जी थे उन्होंने भी शाबाशी दी, ये हमारे गाजियाबाद के एक वो है उन्होंने भी हमें सांसद बीके सिंह जी उन्होंने भी शाबाशी दी, उन्होंने बहुत शाबाशी दी है। मेरे से हर मिलने आते थे, वो तो मेरे से दूसरे दिन 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद वहीं रह रहे थे। उन्होंने जब तक मिशन सक्सेस नहीं हुआ था वो वहीं रहते रहे थे और उन्हें रोज आके शाबाशी देते थे, मुन्ना आप टेंशन मत लो, काम को अंजाम दे दो बस। हमने उस काम को अंजाम दिया और उन्होंने हमारा हौसला बढ़ा के रखा और वहाँ पे हमें किसी चीज़ की परेशानी नहीं आई, सारी चीज़ हमें टाइम पे सब मिलता था वहाँ पे, और हमें इसी बात की खुशी है उन्होंने इतना बहुत। अच्छा मुन्ना कुरैशी, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे शख्स हैं जो 41 मजदूरों से सबसे पहले बात करने वाले भी यही हैं। इन्होंने लगातार जो फंसे अंदर लोग थे उनके साथ में बातचीत भी की थी, इसकी वजह से जो 41 मजदूर अंदर फंसे हुए थे वो मुन्ना कुरैशी को बाय नेम, मतलब इनका नाम वो जानते थे। जब आप पहली बार तोड़ के और जब अंदर आप गए तो लोगों ने पूछा कि आप ही मुन्ना कुरैशी हो? मेरे लड़के अंदर काम कर रहे थे पाइप में, जो मेरे टीम है हमारी, राशिद नसीम मोनू भी है एक बेचारा लड़का हमारा, बहुत अच्छा है, वो अंदर काम कर रहे थे। जब वो टूट गया था, जो अंदर पहुँचे तो इन्हें गले से लगाया, प्यार करा इनसे बहुत और इन्हें बहुत खुश थे वो, उनसे कह रहे थे। फिर उन्होंने बोला मुन्ना भाई को बोला हम उनसे भी मिलना है जो तुम्हारे लीडर हैं, और मैं उनके मैं पाइप में आ ही रहा था, मैं आ रहा हूँ, आप परेशान मत हो और टेंशन मत लेना, आप घबराना मत। मैं उनके पास पहुँचा, उन्होंने मुझे सीने से लगाया और मुझसे उन्होंने बहुत प्यार करा और मुझसे एक चॉकलेट दी मेरे को और मुझसे कहने लगे आपको तो को क्या चाहिए, हमारी जान चाहिए या भगवान का ओहदा चाहिए? मैंने उनसे कहा मुझे प्यार चाहिए,
और मुझे यही भावुक होता है, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, मैं इसलिए रो जाता हूँ, मुझे इतना प्यार दे दिया उन्होंने, मुझ पे ये बहुत बड़ा। आप सोचिए, इसीलिए तमाम बार हम लोग कहते हैं कि हमेशा ना श्रम का सम्मान होना चाहिए। हमारे समाज में आमतौर पर बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। आप सोचिए कि ये जो मजदूर हैं, इनके श्रम, इनका जो श्रम है वो आज तक कभी सुर्खियां नहीं बना। काम करते वक्त ऐसे मजदूरों की मौत हो जाती है, वो कभी भी मीडिया की खबरें नहीं उस तरीके से बन पाते हैं। लेकिन आज आप देखिए कि इन्होंने जहाँ पर इतनी बड़ी मशीन, अत्याधुनिक मशीन फेल हो गई, उसके बाद में इन्होंने अपने परिश्रम से, अपने श्रम से जो है वो 41 मजदूरों तक वो पहुँचे। और इनके आप घर की कंडीशन देखिए, मजदूरी तो हमारे ख्याल से मुन्ना कितनी आप लोगों की होती होगी रोज़ की दिहाड़ीदार मजदूरों की? सर कभी कभी तो ऐसा होता है जो बच्चों को पैसे भी नहीं दे पाते हम, 10-5 रुपये, अच्छी पढ़ाई भी नहीं दे पाते हम। सोचिए 500-600 रुपया या 1000 रुपया, इतनी हमारे ख्याल से मजदूरी होगी। जी यही होता है, और कभी काम भी बंद रहता है, 4 महीने तो काम बंद रहता है, ये बरसातों में काम होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो सोचिए, ये बच्चा है, अभी दो इनकी जो बेटियां हैं वो पढ़ने गई हुई हैं। बेटा ये पापा का काम कहाँ देखा? जब टीवी में आया तो किसी ने बताया तुमको कि? फिर कैसे तुमको पता चला कि पापा ने इतना अच्छा काम किया? मैंने मोबाइल में देखा था। मोबाइल में देखा था? अच्छा, टनल के अंदर पापा गए थे। हाँ, मैं वीडियो भेजता रहता था ना, ये देखते रहते थे। अच्छा, वीडियो आप भेजते रहते थे? हाँ, मैंने अपने घर में, मैंने बेटे देखो ये कर रहे हैं और आप परेशान मत हो ना, तो ये मेरे से बोलते थे ठीक है पापा मैं रह रहा हूँ, मेरे सब ध्यान रखते हैं, खालाएं बराबर में वो भी ध्यान रखती हैं, नीचे हमारी बहन है। अच्छा। खाला की लौंडिया वो भी ध्यान रखती है, हमारी सामने मेरे चाचा की बेटे की बहू है, रिश्तेदार यहाँ पे सब ध्यान रखते हैं बेचारे। अच्छा, बहुत अच्छा, कोऑपरेट करते हैं, सारे कोऑपरेट करते हैं हमारे यहाँ पे, और पूरी खजूरी भी हमारा जितना भारत है अब सब कोऑपरेट ही कर रहा है, जब पहचान लिया तो सब उन्होंने हमें मोहब्बत दी है। तो आप सोचिए कि इस पूरे कमरे में मुन्ना कुरैशी के पास में संपत्ति के नाम पर कुछ है, तो सिर्फ जानते हैं क्या है संपत्ति के नाम पर? इनके दो हाथ और इनका हौसला, इनका जो जज्बा है वो है, और इनके दोनों हाथ हैं जिसके ज़रिए ये परिश्रम करते हैं और इन्होंने इतने लोगों की जान बचाई। दिल्ली के खजूरी खास से आज़म के साथ रविशरंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।